सलाम नमस्ते शस्त्रीकाल, मैं हूं दमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज 24। बॉलीवुड की खबरों से हम शुरुआत करेंगे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य शाम न मातरम। जी हाँ, देशभक्त के ऊपर बनी फिल्म फाइटर का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। जो युवा दिलों की धड़कन ऋतिक रोशन अपनी एक्टिंग को लेकर दीवाना करने के लिए एक बार फिर से बड़े पर्दे पर 25 जनवरी को अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर जनता बहुत ही एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए, और ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री आपको देखने में मजा आ जाएगा। इसमें तड़का लगाते हुए अनिल कपूर जी अपने अभिनय का परचम लहराएंगे। 3 मिनट 9 सेकंड का ट्रेलर रिलीज होते ही ऐसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेलर में 54 सेकंड पर पहुंची, स्क्रीन पर लाल आंखों वाला एक एंट्री हो जाता है। यह है फाइटर का असली विलन। ट्रेलर में जैसे ही पुलवामा हमले वाला सीन आया तो विलन को जाने के लिए मेरे अंदर तो जिज्ञासा ही बढ़ गई। हाँ तो मैं बंदूक लिए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते, ये विलन कौन है? जी हाँ, ये विलन है ऋषभ साहनी। पहली बार ऋषभ साहनी को देखकर मैं तो पहचान नहीं पाई। उसकी वजह यह थी कि उनका दमदार अंदाज। हालांकि जैसे ही हमने गूगल बाबू की ओर रुख किया तो पता चला ये वेब सीरीज में काफी आ चुके हैं। मशहूर फाइटर ऋषभ साहनी की डेब्यू फिल्म है। इससे पहले वह कई चर्चित वेब सीरीज में देखे जा चुके हैं। अपनी पर्सनालिटी को लेकर ध्यान खींच रहे ऋषभ साहनी लुक ही नहीं बल्कि एक्टिंग भी जबरदस्त किया है। ट्रेलर में ऋतिक रोशन और ऋषभ साहनी के अक्स सीन को मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रही हूँ। जनता का सारा ध्यान खींचा हुआ है। हीरो तो विलन को पीटता नजर आता है, लेकिन जिस अंदाज में ऋषभ साहनी आए हैं वह एकदम सराहनीय है। करियर की शुरुआत मॉडलिंग से किया, फिर बॉलीवुड में पैर जमाया, सबसे पहले थिएटर भी किया और आने वाले 25 जनवरी को फाइटर फिल्म में कमाल दिखाने वाले हैं। और कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है ये तो बहुत ही जल्द हम आपको बताएंगे। हमारी बॉलीवुड की इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए TWT न्यूज 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारी न्यूज कैसी लगी। नमस्कार।